सरकार का स्वच्छता स्वच्छ भारत का नारा है और नोएडा भी कहता है क्लीन नोएडा ग्रीन नोएडा का नारा देते, तो मैं तो ये कह रहा हूँ ये दावे सब खोखले हैं और ये नारा भी बेईमानी है। अभी भी आपकी मांगे नहीं मांगी जाती है तो क्या कदम रहेगा आपका? देखिए लगातार आज भी आपने देखा होगा जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पहलवान है जो इस क्षेत्र ने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पहलवान दिए हैं उन्होंने आज यहाँ पर प्रदर्शन किया है इकट्ठा होकर। वो भी इसलिए किया है कि जब इनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ होगा यहाँ पर डंपिंग ग्राउंड बनेगा तो आसपास के गांव में जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय के पहलवान दे रहा है पैदा कर रहा है उनका जब स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा तो कहाँ से ये खेल प्रतिमाओं का विकास होगा, ये प्रतिमाएं वहीं खत्म हो जाएंगी। ये इस क्षेत्र के साथ खिलवाड़ होगा, यहाँ के नव निहालों के स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ होगा। आगे हमारा सदन चलेगा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कल ट्वीट करके कहा है कि यहाँ के जो है जो आंदोलन कर रहे हैं इसका विरोध कर रहे हैं उनका मैं सहयोग करूंगा और इस सरकार से इस बात को रखूंगा और ये प्रधानमंत्री के स्वच्छता अभियान जो चल रहा है उस पर बहुत बड़ा धब्बा है। नोएडा में इस तरीके से डंपिंग ग्राउंड बनाना आबादी के अंदर, और मैं भी हमारा भी जब सदन चलेगा तो मैं समझता हूँ कि हम लोग भी जो है सदन में यहाँ के नोएडा प्रशासन को और यहाँ की सरकार को खींचने का काम करेंगे और यहाँ से डंपिंग ग्राउंड हटवाने के लिए पुरजोर कोशिश करेंगे और इसको हटवाएंगे।